हेलो फ्रेंड्स आई वेलकम यू इन माई यूट्यूब चैनल एस के इंग्लिश पाठशाला फ्रेंड्स मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन टवेल्व क्लास सिक्स एम पी वर्ड हिंदी मीडियम जनरल इंग्लिश सो लेट्स बिगेन दिस वीडियो सो बिरबल एंड द वाशरमैन वाशरमैन वाशर वाट इज द हिंदी मीन्स ऑफ वाशरमैन वाशरमैन का मतलब क्या होता है वाशरमैन का मतलब होता है दोस्तों कपड़े धोने वाला जो कपड़े धोता है उसको वाशरमैन बोलते हैं जिसे दूध बेचने वाला मिल्कमैन वैसे ही कपड़े धोने वाला वाशरमैन जिसको अपन धोबी भी, भी कह सकते हैं और बीरबल बीरबल को तो आप जानते ही होंगे दोस्तों बीरबल जो है बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करता था ये जो है अकबर के नौ रत्नों में से एक था जो कि बहुत बुद्धिमान था तो ये कहानी शुरू करते हैं दोस्तों एक नाटक है ये प्ले है नाटक को इंग्लिश में प्ले बोलते हैं तो इस प्ले में देखते हैं दोस्तों इस नाटक में कितने रोल हैं और कौन कौन हैं तो पहले तो इस कहानी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं डू यू नो एनी स्टोरी अबाउट अकबर एंड बिरबल क्या आप अकबर और बिरबल की कोई कहानी जानते हैं नो यानी होगा जानना वार्ड वास बिरवल नॉन फॉर और बिरवल किस लिए जाना जाता था नॉन फॉर का मतलब होगा किस लिए जाना जाना या किस लिए प्रसिद्ध था नॉन फॉर का मतलब प्रसिद्ध भी होता है दोस्तों नॉन और फॉर दोनों ही वर्ड्स को मिलाएंगे तो हिंदी में एक ही शब्द बनेगा प्रसिद्ध अब ये एक प्ले है नाटक है तो इस नाटक में कितने कैरेक्टर हैं दोस्तों इसमें आठ कैरेक्टर हैं पहला है अकबर दूसरा है बिरबल तीसरा है कार्टियर्स कार्टियर्स का हिंदी मतलब क्या होता है दोस्तों कार्टियर्स का हिंदी मतलब होता है दरबारी जो दरबार में जो लोग रहते हैं ना राजा के उसको कार्टियर बोलते हैं द टन क्रियर टाउन क्रियर वाला हुआ एक मैसेंजर मैसेंजर है संदेशवाहक जो संदेश लेके जाता है और दीनू है और दीनू कौन है इसमें वाशरमैन है मतलब इस कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है वाशरमैन ही है प्रोग मैन कैरेक्टर को इंग्लिश में प्रोटोगनिस्ट बोलते हैं तो प्रोटोगनिस्ट कौन है इसमें वाशरमैन है ना मेन कैरेक्टर उसे कही है। कुसुम दे वासरमैनस वाइफ और वाशरमैन की पत्नी है जिसका नाम है कुसुम ये अपस्ट्रोफी एस लगा हुआ है दोस्तों इसका हिंदी मतलब होता है काकी के जैसे मोहन हाउस तो मोहन का घर ऊपर जो है ऊपर ऐसा लगा हुआ होता है अपस्ट्रॉफी और साथ में एस भी होता है ये दोनों हमेशा सा साथ में होते हैं और कैरेक्टर कौन है आठवां है दीनू एंड कुसुम्स चिल्ड्रन दीनू के और कुसुम के बच्चे ऑफ का मतलब भी होता है दोस्तों का की के ये जो ऑफ होना है इसका मतलब होता है काकी के लेकिन इसको निर्जीव वस्तु के लिए यूज़ करते हैं जैसे घर और दरवाजा तो घर भी निर्जीव है और दरवाजा भी निर्जीव है द डोर ऑफ हाउस लेकिन होम्स डोर ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि एस जो है लिविंग थिंग्स के लिए सजीव चीजों के लिए उपयोग होता है अब पहला स्क्रीन पहला स्क्रीन जो है सीन सामने आता है पहले सीन में क्या होता है दोस्तों देखते हैं जैसे ही पर्दा खुलता है मॉर्निंग इट्स विंटर यानी मॉर्निंग की सुबह है सॉरी विंटर यानी ठंड ठंड का मौसम है और विंटर है विंटर का हिंदी मतलब होता है ठंड तो सुबह सुबह ठंड होती है अकबर एंड बिगर आर पेसिंग द फ्लोर इन द प्लेस पेसिंग ए फ्लोर का मतलब क्या होता है बातचीत करना दोनों ही जो है बातचीत कर रहे होते हैं कहाँ पर बालकनी में द बालकनी ऑफर्स ए गुड व्यूअर्स ऑफ ऑफ द रिवर और जो बालकनी है बालकनी में से जो है बहुत ही एक रिवर का अच्छा सुंदर नज़ारा दिखाई देते ऑफर से व्यू का मतलब सुंदर नज़ारा अकबर अकबर क्या बोलता है बिरबल से बिरबल आई हैव हर्ड द वाटर आई हर्ड द देड वाटर ऑफ द रिवर इज एक्सट्रीमली कोल्ड इट्स द ट्रू एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली का क्या मतलब होता है तो एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक है बहुत ज़्यादा अब अकबर बोल रहा है कि मैंने सुना है कि इस नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है क्या बात सही है ट्रू यानी सही होना ट्रू का हिंदी मतलब होता है सही अब इस बात पे बिरबल क्या बोलता है यस योर मैजेस्टी आई हैव आल्सो हार्ड द सेम मैंने भी यही सुना है सेम यानी यही यही मैंने भी सुना है आपकी जे हो योर मेजेस्टी आपकी जे हो महाराज मैंने भी यही सुना है अकबर बोल रहा है वाट डू यू थिंक विल हैपन इफ अ मैन स्टैंड इन द कोल्ड वाटर ऑल थ्रू द नाइट विल ही डाई यदि कोई व्यक्ति इसके अंदर ठंड थंड़ में ठंडे पानी में खड़ा रहेगा रात भर तो क्या वो मर जाएगा विल ही डाई का मतलब क्या हुआ क्या वह मर जाएगा हेपंड यानी होना स्टैंड यानी खड़ना कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी में आल थ्रो नाइट आल थ्रो नाइट का मतलब, तो मतलब क्या होगा पूरी रात या रात भर तो बीरवल क्या बोल रहा है सर्टेनली निश्चित ही सर्टेनली मतलब क्या होगा निश्चित ही निश्चित थी योर मेजेस्टी महाराज आपकी जो हो निश्चित ही नो ऑर्डिनरी मैन कैन सर्वाइव आफ्टर स्टैंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड वाटर हाँ महाराज निश्चित ही आपकी जे हो कोई साधारण मनुष्य तो इसके अंदर जीवित रह ही नहीं सकता है ना खड़ सकता है बहुत लंबे समय तक ऐसा बोल रहा है बिलवल बिलवल ऑर्डनरी का क्या मतलब होगा ऑर्डनरी यानी साधारण सर्वाइव यानी जीवित रहना स्टैंग फॉर यानी खड़े रहना या रुकना या टहरना लॉन्ग टाइम है ना लंबे समय तक तो अकबर क्या बोल रहा है थैंक्स फॉर ए अस आई हैव एन आइडिया हाँ मेरा भी यही विचार है आई हैव एन आइडिया मतलब मेरा भी यही विचार है द एम्पेरियर विस्पर समथिंग इन बीरबल्स ईयर बिरबल इज सरप्राइज एट द एम्पेरियर्स वर्ड्स अब क्या होता है अकबर जो है बिरबल के कानों में कुछ धीरे से बोलता है फुसफुसाता है और यह बात सुनकर बीरबल जो है चौंक जाता है कि महाराज ने क्या बोल दिया चौंक जाता है ना सरप्राइज हो जाता है विस्पर विस्पर मतलब क्या होता विस्पर है विस्पर या न जब अपन कोई किसी के किसी से जो बातें करते हैं धीरे धीरे कान में कुछ बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में विस्पर बोलते हैं तो उसके कानों में कुछ फुसफुसाता है और उससे जो है बीरबल एकदम चौंक जाता हैं उन्हें क्या बोल दिया सरदार ने अब दूसरा सीन शुरू होता है पहला सीन ख़त्म होता है जहाँ पर अकबर और बिरबल बातें कर रहे होते हैं नदी के बारे में कि इस नदी में शायद ही कोई ऐसा साधारण मनुष्य तो खड़ी नहीं पाता होगा कोई दूसरा पर्सन ही हो जो स्पेशल पर्सन ही शायद इसमें खड़ा रह सके अब जो है दूसरे सीन में आफ्टरनून आफ्टरनून है ना दोपहर दोपहर की बात है टाउन मार्केट प्लेस यानी टाउन यानी शहर उनके शहर में बाजार की बात है एक प्लेस है टाउन कैरियर बीट्स हिस ड्रम लाउडली एंड पीपल कम लिविंगली देयर वर्कस एंड गेदर अराउंड अब क्या होता है मार्केट में जोर जोर से नगाड़े बज रहे होते हैं और लोग उनका काम छोड़कर जो है वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं गेदर यानी इकट्ठे होना लाउडली यानी तेज टाउन करियर बीट्स बीट्स यानी ठोकना बीट्स यानी क्या होता है ठोकना या बजाना जोर जोर से नगाड़े बजाते हैं ना तो ड्रम यानी नगाड़ा ही होगा ड्रम का मतलब नगाड़ा यानी रो कोई जोर जोर जो से ढोल बजा रहा होता है जब कोई भी सुनता है इस टाइप की आवाज़ तो आ जाते हैं तो भेला हो जाते हैं तो टाउन करियर वो जो नगाड़े बजाने वाला वो क्या बोल रहा है लाउडली से लिसन लिसन सुनिए सुनिए बाय द ऑर्डर ऑफ द एम्पेरियर एनी वन हुटेड इन द कोल्ड वाटर ऑफ द रिवर इन फ्रंट ऑफ किंग्स प्लेस ऑल थ्रो द नाइट विल बी एम्प्लाय रिवार अब वो क्या बोल रहा है सुनो सुनो जो राजा के दरबार राजा के दरबार राजा के दरबार के सामने जो एक नदी है वो ठंडे पानी वाली उसमें कोई व्यक्ति रात भर यदि खड़ा रहेगा तो उसको मुँह भागा इनाम दिया जाएगा बाय द ऑर्डर ऑफ एम्पेरियर बाय द ऑर्डर ऑफ एम्पेरियर का मतलब क्या क्या होता है राजा के उद्देश्य से है ना राजा के उद्देश्य से या फिर राजा के जैसे बोलते हैं आदेश से बाय द ऑर्डर ऑफ यानी उद्देश्य आदेश से किसके एम्पेरियर एम्पेरियर यानी राजा राजा के आदेश से मैं आप सबको यह सूचित करता हूँ कि जो राजा के बाहर राजा के uh, जो महल है उसके बाहर जो नदी है उसमें कोई व्यक्ति रात भर खड़ा रहेगा तो उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा से यानी इनाम एम्प्लाय मुँह मांगा जो भी मतलब राजा मुँह मांगा गया तो नहीं मतलब जो भी राजा चाहेंगे उसको एक अच्छा सा इनाम देंगे उनके हिसाब से खुश होकर ही मूव्स टू अनदर बिजी एरिया मेक द सेम अनाउंसमेंट और वह इसी तरह से दूसरी जगह जाता है और वहाँ भी यही अनाउंसमेंट करता है पीपल पीपल स्टैंड इन इन ग्रुप्स एंड डिस्कस द अनाउंसमेंट लोग जो है बातें सुनकर वार्तालाप कर रहे होते हैं डिस्कशन इन्हें वार्तालाप करना इस अनाउंसमेंट यानि इस घोषणा की जो है इस घोषणा को सुनकर लोग बात कर रहे होते हैं नो बडी इज रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज कि कोई भी ये चुनौती स्वीकार नहीं कर पाएगा नोबडी यानी कोई नहीं रेडी टू एक्सेप्ट यानी तैयार होना किसके लिए तैयार होना स्वीकार करने के लिए तैयार होना चैलेंज है ना चुनौती ए पुअर वाशरमैन आल्सो लिसन टू द अनाउंसमेंट एंड विस्पर इन हिस वाइफ सीयर और यह है एक पुराने धोबी ने यह so एक पुअर धोबी ने पुअर यानी गरीब एक गरीब धोबी ने यह बात सुन ली और वह उसकी पत्नी के कानों में कुछ कह रहा है विस्पर यानी कानों में कहना और वो व्यक्ति कौन था दोस्तों वो व्यक्ति था दिनू जैसा कि मैंने आपको बताया था दिनू जो है मेन कैरेक्टर है इस प्ले का इस नाटक का और उसकी पत्नी से कह रहा है वो कान में कुसुम से क्या कह रहा है वो दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत ही अच्छा अवसर है अपॉर्चुनिटी यानी अवसर आई शुड ट्राई माई लक कि मुझे अपना भाग्य आजमाना चाहिए लक यानी भाग्य सुध यानी चाहिए ट्राई यानी मुझे अपना भाग्य आजमाना चाहिए भाग्य कोशिश करनी चाहिए इफ़ आई सक्सीड इन द स्टैंडिंग इन द रिवर यदि मैं सफल हो गया पूरी रात भर खड़े रहने में आई गेट बिगर रिवार्स एंड विल बी एबल टू लिव वेल यदि हमें जो है मैं सफलतापूर्वक सफल जीत गया तो मुझे जो है अच्छा सा एक इनाम मिल जाएगा और हमारी जो आगे की जिंदगी है वो अच्छे से कट पाएगी यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड लिखा हुआ है देखेंगे आप इसको यहाँ पर डब्ल्यू लिखा हुआ है और डब्ल्यू के बाद ऐसा एक्ट डोट लगा हुआ है डबल एल लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों ये एक शॉर्ट फॉर्म है किसका शॉर्ट फॉर्म है वी विल का वी विल जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है विल पढ़ते हैं इसको अंग्रेजी में वी विल का शॉर्ट फॉर्म भी यही होगा और वी शेल का शॉर्ट फॉर्म भी यही होगा क्योंकि वी के साथ हमेशा सेल लगाते हैं तो शेल भी हो सकता है और बिल भी हो सकता है एबल टू एबल टू मतलब जी पाएंगे एबल टू है ना जी पाएंगे लिव है ना अच्छे से वेल well है ना अच्छे से जी पाएंगे अब कुसुम को क्या बोलती नो नो डोंट एवर थिंग ऑफ टाकिंग सच ए रिस्क उनने की ऐसे रिस्क उठाने की बात मत करो मेरे सामने और सोचो भी मत तुम दीनू क्या बोल रहे हैं यू निडेंट री तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है निडंट यानी चिंता करने निडंट का मतलब होता है जरूरत नहीं होना नीड प्लस नोट लगा हुआ उसमें नीड है, नीड और प्लस में नोट जुड़ा हुआ है तो उसको निडंट पढ़ते हैं जैसे न, बोलते हैं ना डू प्लस नोट डोंट वैसे नीड प्लस नोट निडेंट हो गया है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है नथिंग विल हैपन टू मी मुझे कुछ नहीं होगा हैपन यानी होना आफ्टर ऑल आखिरकार आई एम यूज टू वॉशिंग क्लोथ्स इन कोल्ड वाटर एवरीडे उन्हें कि मैं दिन भर तो जो है ठंडे पानी में कपड़े धोते रहता हूँ तो मुझे क्या होगा यूज टू यानी किया करता हूँ क्या क्या करता हूँ मैं जो है कपड़े धोया करता हूँ यूज टू का मतलब होता है क्या करता हूँ जैसे मैं आया करता हूँ आई एम यूज टू कम तुम जाया करते हो यू यूज टू गो तो ऐसे ही यूज टू का उपयोग किया गया है जो एक मॉडल है तो फिर सीन नंबर थ्री में क्या हो रहा है देखते हैं दोस्तों पहला सीन भी खत्म हो गया दूसरा सीन भी खत्म हो गया पहले सीन में जो है राजा ने बात कही थी कि इस नदी के पानी में कौन खड़ा रह सकता है दूसरे सीन में ये बात हुई कि जो है दीनू खड़ा रहेगा उसकी पत्नी से बोलता है अब सीन नंबर थ्री में क्या होता है नाइट यानी रात का मौसम वासरमैन गोस एंड स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द रिवर वो वासरमैन जाता है और बीच नदी में जाकर खड़ा हो जाता है मिडल ऑफ द रिवर है ना नदी के बीच सम पीपल कम एंड आस्क हिम नोट रिस्क हिस्स लाइफ बहुत लोग आते हैं और उसे कहते हैं कि अपनी जिंदगी का खतरा मत उठाओ आस्क यानी कहना वन मैन उनमें से एक व्यक्ति बोलता है आई फील सॉरी दिस पुअर मैन मुझे इस व्यक्ति के बारे मुझे इस व्यक्ति का बहुत दुख हो रहा है सोरो यानी होता है दुख होना फील या ना महसूस करना या होना तो मुझे इस व्यक्ति का बहुत दुख हो रहा है वाई डज ही वांट टू किल हिम सेल्फ वह अपने आप को ही क्यों मारना चाहता है इसका क्या मतलब होता है दोस्तों वाई डज ही वांट टू किल यानी वह खुद को ही क्यों मारना चाहता है हिम सेल्फ यानी खुद ही एक दूसरा व्यक्ति बोलता है ही इज क्रेजी कि वो पागल हो गया है डूइंग सच ए फुलिस थिंग्स फॉर मनी उन्हें के पैसों के लिए ऐसा कार्य कर रहा है वो डूइंग यानी करना फुलिस यानी मूर्ख वाला उन्हीं के पैसों के लिए ऐसा मूर्ख वाला कार्य कर रहा है वो वेल लेट अस प्रे फॉर दिस सेफ्टी चलो जो भी है वेल यानी जो भी ये अच्छा है चलो हम इसके लिए प्रे करते हैं लेटस्ट का मतलब होता है चलो जैसे चलो हम गाना गाए लेटस सिंग सॉन्ग तो वैसे ही लेट्स लेटस प्रे फॉर हिज सेफ्टी क्या हम इसकी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करें प्रे यानी होता है प्रार्थना करना सेफ्टी यानी सुरक्षा अब अगले दिन की बात होती है दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है यानी सारी रात वो खड़ा रहा पानी के अंदर अब दूसरे जब सुबह हो गई दिनू इज शिवरिंग बैडली और दिनू जो है बहुत बुरी तरीके से कांप रहा है कापना या, शिवरिंग यानी होता है कापना ही स्टूड इन द रिवर आल थ्रो द नाइट क्योंकि वह पूरी नार रात जो है नदी के अंदर खड़ा रहा है आल थ्रो नाइट का मतलब होगा पूरी रात स्टूडियो ने खड़ना ही है सक्सेसफुली रिच द टारगेट और वह अपने लक्ष्य पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है टारगेट यानी लक्ष्य सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक पीपल कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हीज वंडरफुल अचीवमेंट और इस आश्चर्यजनक वाले कार्य पर लोग उसे बधाई दे रहे हैं है ना क्योंकि उसने बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर ली अचीवमेंट यानी उपलब्धि प्राप्त करना अचीव कर लिए प्राप्त कर लिए क्या प्राप्त तो जो उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है जो बिल्कुल वंडरफुल है ना आश्चर्यजनक वाला कार्य था उसको जो उसने प्राप्त कर लिया है अपने लक्ष्य को कुसुम बोल रही है, है ना खुशी से बोल रही कुसुम क्या बोलती ओह सो यू हैव डन तो तुमने कर ही लिया है थैंक थैंगोड भगवान का शुक्र है थैंक थैगोड मतलब भगवान का शुक्र है यू आर ऑल राइट कि तुम सही हो आई वास्ट सो वरीड मैं बहुत चिंतित थी आई केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर यूर सेफ्टी द होल नाइट कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए भगवान से पूरी रात प्रार्थना करती रही कैप्टॉन कैप्टॉन यानी करती रही कैप्टॉन का मतलब क्या होगा करती रही प्रेइंग यानी प्रार्थना करती रही होल नाइट एंड एट लास्ट अंतिम एट लास्ट गोड इज हर्ड अवर पेयर एंड यू आर द लकीस्ट पर्सन टू गेट द बिग रिवार्ड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू तो at लास्ट एट लास्ट का मतलब क्या होता है At लास्ट का मतलब होता है अंत में अंत में जो है भगवान ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली प्रेयर यानी प्रार्थनाएं यू आर द लक्कीस्ट पर्सन तुम सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो luckiest यानी सबसे भाग्यशाली टू गेट द बिग रिवार्ड जो तुम्हें एक बड़ा सा इनाम मिलेगा गेट का मतलब होता है मिलना आई एम रियली प्राउड ऑफ यू और सचमुच में तुम पर गर्व करती हूँ प्राउड ऑफ यानी गर्व करना ऐसा कौन बोलती है धनिया की तो, सॉरी ऐसा कौन बोलती है उसकी पत्नी बोलती है कुसुम दिनू की तो दोस्तों यह कहानी का आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं यह कहानी दो भागों में डिवाइडेड है यह इस कहानी का पहला पार्ट था अगली आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट दो को देखें